रहेंगे। मंदिर के चारों तरफ आयातकार परकोटा रहेगा। मंदिर में दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। रैंप और लिफ्ट भी है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं है जो प्राचीन काल का है। इसके अलावा 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। ये तीर्थ यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधा प्रदान करेगा। राम मंदिर के गर्भगृह के स्वर्ण दरवाजे की तस्वीरें भी देखिए। सामने आई तस्वीरों में मंदिर परिसर के अंदर रोशनी दिखाई दे रही है। इसमें मंदिर का नजारा बेहद शानदार दिख रहा है। इस दरवाजे की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि ऐसे करीब 14 सोने के दरवाजे और हैं। रामलला के गर्भगृह में लगाए गए सोने के दरवाजे पर खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। मालूम हो कि राम मंदिर के 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे महाराष्ट्र के सागौन से तैयार होने के बाद स्वर्ण यानी सोने जड़ित किया गया है। इन सोने के दरवाजों को हैदराबाद स्थित कंपनी के कारीगरों ने तैयार किया। दरवाजों पर वैभव प्रतीक जैसे गज यानी हाथी, खूबसूरत विष्णु कमल, स्वागत की प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र अंकित हैं। सोने का दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा है और 8 फीट चौड़ा। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसके चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। राम मंदिर के कुल 46 दरवाजे होंगे। इनमें से 42 पर 100 किलोग्राम सोने की परत भी चढ़ाई जाएगी। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इस दिन लगभग 100 स्थानों पर पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य का आयोजन भी किया जाएगा। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बहरहाल भव्य राम मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। अब सबको बस इंतजार है रामलला के मंदिर में विराजमान होने का। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।